हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। बिहार में फ्रेंड्स, यहाँ पर बम्पर भर्ती आई हुई है। आपका यहाँ पर तीन तीन पोस्ट निकला हुआ है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर और तीसरा है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। बाकी ब्लॉक हेल्थ मैनेजर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका ऑफलाइन फॉर्म अवेलेबल है। तो सब मैं दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा, कितने पोस्ट हैं, क्या सैलरी है, कब तक इसको आप भर सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से ये निकला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, इससे हम लोग को हौसला बढ़ता है। और फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर कीजिए, आप एलिजिबल हैं तो जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिए और नहीं है तो दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सके। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको इस तरह का अपडेट मिल सके सबसे पहले। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है जो कि आपको नौकरी जरूर मिलेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं फुल डिटेल्स क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी आई है, बिहार के राज्य से जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर ब्लॉक हेल्थ मैनेजर एंड BME कम डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये आपका पहला पोस्ट है जो कि आपको 25 जनवरी का ये अपडेट है, यहाँ पर डाउनलोड लिस्ट है, मैं आपको ये बताऊंगा फर्स्ट में। और दूसरा है फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी दिया गया है और यहाँ पर PDF दिया गया है। तो मैं दोनों एक और दो दोनों पोस्ट के लिए मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को फ्रेंड्स छोड़िएगा मत, लास्ट तक जरूर दिखेगा ताकि आपको फुल डिटेल्स पता चल सके क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, कब तक फॉर्म भरना है और कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं पूरा यहाँ फुल डिटेल्स से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताऊँगा मैं ब्लॉक हेल्थ मैनेजर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। चलिए इसको हम डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं उसका फुल डिटेल्स क्या है। यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा फुल अपडेट कि ब्लॉक हेल्थ मैनेजर और डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट में मांगा गया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डाउनलोड हो चुका है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार आपका यहाँ पर आ चुका है। टर्म और रेफरेंस, पोस्ट का नाम है ब्लॉक ME असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर। उसके लिए आपको नंबर ऑफ पोजिशन यहाँ पर 533 सीट है, जो यहाँ पर अनरिजल्ट में इतना है, EBC वगैरह सब बायफर्केट बांटा गया है। तो यहाँ पर जो है डिटेल्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर अटैच्ड भी किया हुआ है आपको। यहाँ पर जो है यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये आपका एक साल के लिए है और आपका हर साल आपका परफॉर्मेंस पे ये आपको एक्सटेंशन मिलेगा, यानी आगे आपको बढ़ाया जाएगा। और आपको जो मैक्सिमम एज है फ्रेंड्स वो है 45 ईयर्स और आपको 1/9/13 हिसाब से ये गणना करेगा। और जो रेमुनरेशन यानी जो आपका सैलरी है वो आपको 12,000 है, ये आपका पर ईयर आपको ये बढ़ेगा परसेंटेज। और आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं और एक्सपीरियंस क्या क्या है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और साथ में टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए 40 और 30 वर्ड परमिट होना चाहिए, 40 होना चाहिए इंग्लिश में और 30 होना चाहिए हिंदी में। और आपका 6 मंथ कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में या DOEX होना चाहिए और एक्सीलेंट कमांड MS ऑफिस या इंटरनेट में आपको कमांड होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर। अगर आपके पास 2 साल का हेल्थ सेक्टर का वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर दिखा रहा है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव वर्क इन हेल्थ सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जिसने भी काम किया है हेल्थ सेक्टर के गवर्नमेंट में, हेल्थ सेक्टर में, तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है बैकग्राउंड में, ब्लॉक मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 533 सीट है जो कि 38 डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लिया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, 533 आपको यहाँ पर वैकेंसी आया है। यहाँ पर बिहार के कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो इसको आप भर सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और दूसरा है ब्लॉक अकाउंटेंट या ब्लॉक हेल्थ मैनेजर जो बोलिए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया उसके रोल्स वगैरह यहाँ पर बहुत सारे, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ब्लॉक हेल्थ मैनेजर। और यहाँ पर आपको क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। उसके लिए आपको डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ मैनेजमेंट या MBA होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ सिस्टम में आपको 2 साल का कम से कम होना चाहिए एक्सपीरियंस। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये
दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मेरे वीडियो के नीचे में आपको इसका लिंक पूरा पीडीएफ का और ऑनलाइन ये जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फ्रेंड्स वहाँ से आप डायरेक्ट लोड कर सकते हैं और इसको आप लोग भर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो था आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये रहा आपका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक। इसको मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके आगे बात करूँगा, तो पहले मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ये जो है डाउनलोड करके इसका भी इसमें क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा गया है। देखिए मेरा यहाँ पर लोड हो गया है, संभरनाले आरा का या भोजपुर का निकला हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका जो आयु सीमा वगैरह दिया गया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, आपका मिनिमम और मैक्सिमम रिजर्व के लिए 1837 है, एससी के लिए 1842 है, एसटी के लिए 1842 है, एबीसी के लिए 1840 है, एबीसी के लिए 1840 है और फीमेल अनरिजर्व के लिए 1840 है। और ये जो उम्र का गणना करेगा वो 1/1/19 के आधार पर की जाएगी। और इसमें जो फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो है आपको आवेदक की जो शैक्षणिक योग्यता है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक होना चाहिए और साथ में उसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आदि की बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है। और जो तीसरा पॉइंट है उसके लिए उनके पास हार्डवेयर होना जरूरी है, जो ये नीचे दिया गया है क्या क्या है। यहाँ पर सीपीयू होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, रैम वगैरह सब कुछ दिया गया है, ब्राउजर कौन सा होना चाहिए, यूपीएस वगैरह डेटा कार्ड होना चाहिए, 1 MBPS सब कुछ। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मेरे वीडियो के नीचे में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स मानदेय जो मिलेगा आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए आपको 11,345 रुपये मिलेंगे और बाकी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह का बिल आपको देना पड़ेगा। और जो नियुक्ति अवधि है वही 1 वर्ष के लिए होगा और इसको अगर आपको सेवा अच्छा रहा तो आप आगे भी बढ़ाया जाएगा। और जो पैनल रहता है फ्रेंड्स, अगर आपको सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको 3 साल तक के लिए आपको पैनल में आपको वैधता मिलेगी। इन 3 साल तक आपको कहीं कहीं अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको वो रद्द हो जाएगा। और जो चयन का आधार है सिलेक्शन का वो कैसे होगा, आपको गठित चयन समिति द्वारा 300 उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा, 300 जो है उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा और उसके अनुसार आपको बुलाया जाएगा वैकेंसी के अनुसार नौकरी के लिए। और जो आवेदन पत्र जो भरना है वो फिर ऑनलाइन भरना है, मैंने आपको दिखाया लिंक और लिंक आपको मेरे वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। और जो फ्रेंड्स इसका जो होगा जांच परीक्षा 2 चरणों में लिया जाएगा। सबसे पहला जो है प्रथम चरण में आपको आवेदक का कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी का जांच होगा और द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का जो आधार होगा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, इंटरनेट वगैरह, सामान्य जानकारी, अंग्रेजी, हिंदी, लेखन क्षमता वगैरह किया जाएगा। दोनों जो परीक्षा है वो 100-100 मार्क्स के होंगे, यहाँ पर दिखा रहा है। और जो कंप्यूटर टाइपिंग जांच में प्राप्त के आधार पर प्रथम 900 अभ्यर्थियों को ही दूसरे चरण में लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। और दोनों परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50% देते हुए पैनल के लिए तैयार किया जाएगा। और जो परीक्षा का स्थान और समय जो है फ्रेंड्स वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, जो कि bhojpur.nic.in पर आप समय समय पर देखते रहिएगा, या आपको जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है उस पर आपको वो लोग कॉन्टैक्ट करेंगे। और जो फ्रेंड्स जो ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है भरने का वो है 15 फरवरी 2019 तक के 5 बजे तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। फ्रेंड्स फिर भी कोई अगर दिक्कत हो आपको तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, कि उससे हम लोग को हौसला बढ़ता है। दोस्तों को शेयर तो कीजिएगा ही और साथ में दबाइएगा बेल आइकन, और क्योंकि बेल आइकन क्लिक करके जो अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा तो हमारे कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिलेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।